लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबी न्यूज पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शराब के बाद दूध पीना चाहिए या नहीं। अक्सर लोग गूगल पर कैन मिल्क बी टेकन आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल लिखकर सर्च करते हैं। इसके जवाब भी कई मिलते हैं, लेकिन हर जवाब सही हो यह जरूरी नहीं। तो अगर आप भी इस सवाल को लेकर दुविधा में है कि शराब के बाद दूध पीना चाहिए या नहीं, तो इसका सही जवाब आज हम आपको देते हैं। शरीर में पाचन एंजाइम होते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वे डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने के साथ में मिलकर उसे पचाने और उससे पोषण लेने में मदद करते हैं। शराब पीने से उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को नुकसान पहुंचता है, जिससे अगर आप शराब के बाद दूध पीते हैं तो दूध में मौजूद पोषक तत्वों का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता। अल्कोहल पेट में मौजूद इन सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे खाने में मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। हमारे पेट और आंतों के सिरों पर मौजूद ये सेल्स खाने में मौजूद पोषक तत्वों को लेते हैं, जिनसे ही खून बनता है। दूसरे शब्दों में कहे तो पोषक तत्वों की कमी दूसरी कई समस्याओं को जन्म दे सकती है। यह बात दूध पर भी लागू होती है। अगर दूध का पूरा पोषण शरीर को मिलेगा ही नहीं, तो उसे पीना व्यर्थ ही होगा। इतना ही नहीं, शराब पेट में गैस बना देती है, जो कि गैस्ट्रिक या आंत का अल्सर पैदा कर सकती है। और अगर आपको डायबिटीज है या आपके परिवार में किसी को है, तो शराब आपके लिए और भी बड़ा खतरा है। वहीं दूसरी तरफ दूध को अगर रात में पिया जाता है तो यह ठीक, लेकिन इसे गर्म करके पीना चाहिए, वह भी अदरक के साथ। यह पोषण से भरा होगा और दिमाग को शांत करने के साथ ही अच्छी नींद भी देगा। दूध अमीनो एसिड होता है, जो शरीर को आराम देता है और तनाव कम करने में मददगार होता है। वही दूसरी तरफ शराब नींद को खराब कर देती है और इसमें बाधा ला सकती है। हालांकि एक सीमा में लिए गए ड्रिंक जल्दी नींद आने के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन यह नींद कुछ ही घंटों में टूट सकती है। इसके अलावा रात में बार बार नींद टूटने की समस्या भी हो सकती है, तो यह अच्छा होगा कि आप दूध और शराब को मिलाए नहीं। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसे लगी, हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मिल सके हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।